हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जीएसटी की 28 काउंसिल मीटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे जो 21 जुलाई 2018 को हुई है। जीएसटी की इस मीटिंग में जीएसटी से रिलेटेड काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं। आइए देखते हैं चेंजेस क्या हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे कर लीजिए। आप यहाँ पर रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही यहाँ पर बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल पर आई टैली, ईवे बिल और जीएसटी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ये जीएसटी की 28 काउंसिल मीटिंग है जो 21 जुलाई 2018 को हुई है। इस मीटिंग में जीएसटी से रिलेटेड काफ़ी बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स को रिलीफ भी मिली है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप ये चेंजेस देखते हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला चेंजेस है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। यानी जीएसटी में काफ़ी सारी ऐसी आइटम्स है जिनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, जिसमें से हमारी पहली है सैनिटरी पैड्स, स्टोन, मार्बल और वुड्स, राखीस जो रक्षाबंधन में इस्तेमाल होती है विदाउट एनी प्रीशियस मेटल, यानी ऐसी राखी जिसमें सोना या चांदी जैसा मेटल इस्तेमाल ना होता हो। इसी तरह हमारा अगला आइटम है रॉ मटेरियल यूज्ड इन ब्रूम, यानी झाड़ू में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल, साल लीव्स और फोर्टिफाइड मिल्क। ये हमारी कुछ ऐसी आइटम्स है जिनको जीएसटी में एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब इसी तरह जो इसमें हमारा अगला चेंज है वो जीएसटी रेट से रिलेटेड है, जिसमें हमारी कुछ ऐसी आइटम थी जिनमें पहले 12% का जीएसटी रेट लगता था, जिसको घटा के 5% जीएसटी रेट कर दिया गया है। जिसमें से हमारी दो आइटम है, जिसमें पहली है हैंडलूम डेरी और दूसरा है फर्टिलाइजर ग्रेंड और फॉस्फोरिक एसिड। ये दो हमारी ऐसी आइटम थी जिन पे पहले 12% का जीएसटी रेट था, लेकिन इस मीटिंग के बाद अब इन पे 5% का जीएसटी रेट लगेगा। इसी तरह हमारी कुछ ऐसी आइटम थी जिन पे पहले 28% जीएसटी रेट लगता था, जिसको घटा के अब 18% कर दिया गया है। तो ये हमारी कुछ ऐसी आइटम्स है जिसमें से हमारा है लिथियम बैटरीज, फूड ग्रेडियंस मिक्सचर्स, शेवर्स, हेयर क्लिपर्स, स्टोरेज वाटर हीटर्स, इलेक्ट्रिक स्मूथिंग आयरन, वाटर कूलर, आइसक्रीम फ्रीज़र, रेफ्रिजरेटर्स, हैंड ड्रायर्स, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, सेंट, पेंट एंड वर्निशेस। ये हमारी कुछ ऐसी आइटम है जिन पे पहले 28% का जीएसटी रेट था, लेकिन 28 जीएसटी मीटिंग के बाद इन पे 18% का जीएसटी रेट लगेगा। तो ये काफ़ी बड़ा चेंजेस है, इससे काफ़ी लोगों को इससे रिलीफ भी मिलेगी। तो इस मीटिंग में जो हमारा अगला चेंज है वो माइग्रेशन टैक्सपेयर से रिलेटेड है। यानी ऐसे टैक्सपेयर्स जिन्होंने जीएसटी में पहले अपना माइग्रेशन नहीं करवाया था, उन टैक्सपेयर्स के लिए 31 अगस्त 2018 तक माइग्रेशन की विंडो दोबारा से ओपन होगी। यानी ऐसे टैक्सपेयर्स जिन्होंने पहले जीएसटी में अपना माइग्रेशन नहीं करवाया था, वो 31 अगस्त 2018 तक फिर से जीएसटी में अपना माइग्रेशन करवा सकते हैं, और ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए लेट फीस को वेव कर दिया गया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा चेंजेस है। इसी तरह इस मीटिंग में जो हमारा अगला चेंज है वो रिलीफ फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए है। यानी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो वस्त्र उद्योग करती है वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अब क्लेम कर सकती है। ये इंडस्ट्री पहले अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकती थी, लेकिन इस मीटिंग के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ कर सकती है। 27 जुलाई 2018 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये भी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा चेंज है। तो इस मीटिंग में जो अगला चेंज है वो हमारा जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड है, जो काफ़ी अच्छा चेंज है, जिसमें कहा गया है ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ तक है, उन्हें अपनी टैक्स की पेमेंट तो मंथली ही करनी है। यानी ऐसे टैक्सपेयर्स को अपनी जीएसटी आर 3 भी तो मंथली ही फाइल करनी है, लेकिन अब उन्हें अपनी जीएसटी आर 1 को क्वार्टरली फाइल करना है। तो ये काफ़ी अच्छा चेंज है, जिसमें कहा गया है ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, उन्हें अपनी टैक्स की पेमेंट तो मंथली ही करनी है। यानी उन्हें अपना जीएसटी आर 3 भी तो मंथली ही फाइल करना है, लेकिन जो उनकी जीएसटी आर 1 है अब वो उन्हें क्वार्टरली फाइल करनी होगी। ये काफ़ी अच्छा चेंज है, जिसमें जीएसटी डिपार्टमेंट ने कहा है अब से 93% ऐसे टैक्सपेयर्स हैं जो अपनी जीएसटी आर 3 भी क्वार्टरली फाइल करेंगे। तो आइए इसमें अब अगला चेंजेस देख लेते हैं। अगला चेंजेस कॉम्पोजिशन डीलर से रिलेटेड है, जिसमें कहा गया है कॉम्पोजिशन डीलर्स की टर्नओवर पहले 1 करोड़ थी, जिसे 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा चेंजेस है। और कॉम्पोजिशन डीलर से रिलेटेड जो दूसरा चेंज है उसमें कहा गया है कि अब कॉम्पोजिशन डीलर्स भी सर्विसेज दे सकते हैं।
अब वो किस तरह से सर्विस दे सकते हैं जिसमें कहा गया है कि वो अपनी टर्नओवर की 10% तक या 5 लाख तक इनमें से जो भी ज़्यादा होगा उतने की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी अगर इसे और सिंपल करके कहा जाए, कॉम्पोजिशन डीलर्स की जो टर्नओवर है उसका 10% या 5 लाख इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो उतने तक की सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये भी कॉम्पोजिशन डीलर से रिलेटेड काफ़ी अच्छा चेंजेस है। इससे काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स कॉम्पोजिशन स्कीम को भी ले सकते हैं क्योंकि पहले वो सर्विसेज नहीं ले सकते थे। तो आइए देखते हैं इसमें अगला चेंजेस है। जो इसमें अगला चेंजेस है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट से रिलेटेड है, जिसमें कहा गया था कि पहले जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट थी जिनकी एग्जेम्प्ट लिमिट 10 लाख थी उसको बढ़ा के अब 20 लाख कर दिया गया है। जिसमें से 6 स्टेट्स को लिया गया है, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को शामिल किया गया है। ये ऐसे स्टेट हैं पहले जिनके अंदर जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करवाने की एग्जेम्प्ट लिमिट 10 लाख थी जिसको बढ़ा के अब 20 लाख कर दिया गया है। तो ये भी जीएसटी काउंसिल मीटिंग में काफ़ी अच्छा चेंज है। तो इस मीटिंग में जो और चेंजेस किए गए हैं वो इस तरह से हैं, जिसमें कुछ की डिसीजंस लिए गए हैं जीएसटी से रिलेटेड, जिसमें पहला कहा गया है कि जो आरसीएम है उसको 1 साल के लिए और सस्पेंड कर दिया गया है। यानी पहले आरसीएम को 30 सितंबर 2018 तक सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन इस मीटिंग में कहा गया है कि अब आरसीएम को 30 सितंबर 2019 तक सस्पेंड कर दिया गया है। तो फर्दर 1 साल और आरसीएम सस्पेंड हो गया। इसी तरह जो अगला चेंज है उसमें कहा गया है कि अब एक ही राज्य में मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। यानी पहले ये था कि अगर आप एक राज्य में तो आप एक ही जीएसटी नंबर ले सकते हैं, लेकिन अब आप एक ही राज्य में एक से ज़्यादा जीएसटी नंबर ले सकते हैं अगर आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अलग अलग है। इसी तरह इसमें कहा गया है कि जो आपका फुटवेयर का प्राइसेस है अगर वो 1000 से कम है तो उस पर 5% का जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा। तो ये जीएसटी मीटिंग से रिलेटेड कुछ की डिसीजन थे। इसी तरह इसमें अगला चेंज है वो जीएसटी कैंसिलेशन से रिलेटेड है, जो काफ़ी अच्छा चेंज है, जिसमें कहा गया है कि जब भी कोई टैक्स पेयर जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाता है तो जब तक डिपार्टमेंट उसके जीएसटी को ऑडिट नहीं कर लेता तब तक उसे अपनी जीएसटी की रिटर्न्स को फाइल करते रहना होता था, जिससे उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी और वो निल रिटर्न फाइल करता रहता था। लेकिन इस मीटिंग में कहा गया है कि जिस दिन से जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा उस दिन से टैक्स पेयर को कोई रिटर्न फाइल नहीं करनी। डिपार्टमेंट जब उसकी जीएसटी को ऑडिट कर लेगा तो ऑटोमेटिक उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, तब तक उसे कोई रिटर्न फाइल नहीं करनी। तो ये भी टैक्स पेयर से रिलेटेड काफ़ी अच्छा चेंज है। तो ये जीएसटी की 28 काउंसिल मीटिंग थी और इस मीटिंग में कहा गया है कि जो जीएसटी की नेक्स्ट मीटिंग होगी वो 4 अगस्त 2018 को होगी, जिसमें कुछ और डिसीजन लिए जाएंगे। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि जीएसटी की 28 काउंसिल मीटिंग में कौन कौन से चेंजेस लिए गए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अब इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।